झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धनबाद दौरा शुरू हो चुका है। बता दें कि वे आज रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। बता दें कि आज राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का भी रांची दौरा है। वह यहां पर 5 घंटे तक का समय बिताएंगी। द्रौपदी मुर्मू 11 बजे से दिन में विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे। रांची आने के बाद BNR होटल में एनडीए के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगी। वहीं इस बैठक के दौरान समर्थन के मुद्दे पर भी राज्य की सियासी दलों की जांच परख भी करेंगे। इस मुद्दे में भाजपा के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। हालांकि बता दें कि झारखंड की तरफ से एक बड़ा सवाल है मुर्मू के लिए, झामुमो के नेता सांसद या विधायक द्रौपदी मुर्मू से रांची में मिलेंगे या नहीं, इसकी कोई जानकारी झामुमो नेता ने अभी तक नहीं दी है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो किसको उम्मीदवारी देगा इसका अभी अप्रत्यक्ष रूप से कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिल चुके हैं। उन्होंने दिल्ली दौरे में एक क्रम में कांग्रेस के राज्यसभा में नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। वैसे इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने फोन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत कर राष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन मांगा था। खैर, अब क्या होगा, आगे क्या मिलेगा द्रौपदी को, मुर्मू या फिर हेमंत का साथ, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।